तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ आलू किसान हैं और कुछ बाहर से आए हुए भैया लोग भी यहाँ पे दो लोग हैं हमारे साथ में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हम इन लोगों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये लोग जो है किस जगह से हैं और इधर का क्या माहौल। भैया क्या नाम आपका? श्याम मोहन दीक्षित। कौन सी जगह है ये? टोडरपुर। टोडरपुर पूरा बताओ, पूरा क्या? ग्राम व पोस्ट टोडरपुर, जिला मैनपुरी। जिला मैनपुरी। और इधर ये आलोक जी हैं, ये हमारे साथ में हैं। और इधर ये भैया आप कहाँ से आए हो? कोटला से। कोटला से, कोटला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। सिकवाबाद? नहीं, सुकाबाद बहुत दूर पड़ता है हमारे यहाँ से, फिरोजाबाद पास में। अच्छा अच्छा, फिरोजाबाद से आए हो आप, ये मान लो सीधे सीधे। भैया आप? हाँ, हम भी वहीं से। आप भी इन्हीं के साथ हो। और ये है गुरुजी। गुरुजी ये इस खेत में हम आलू देख रहे हैं आज जो है, ये आलू हम देख पा रहे हैं अभी भी, इसमें मतलब जो आल है, सेप है थोड़ी, मतलब सब खेतों की अपेक्षा से इसमें थोड़ी सही सही दिखाई दे रही है। ये कौन सा आलू है इसमें? इसमें साइड से हमारा एक साइड में नीलकंठ है जी, और एक साइड में, तीन साइड में हमारा न्यू हॉलैंड है। अच्छा, और बीच में जो है कुफरी मोहन है। अच्छा, बीच में कुफरी मोहन। हाँ, अच्छा कुफरी मोहन है। और ये कितने दिन का हो गया आपका कुफरी मोहन आलू? ये हो गया है 72 दिन का। 72 दिन का हो गया है। तो ये आप कहाँ से लाए थे बीजा इसको? ये हम लाए थे फिरोजाबाद से लाए थे। फिरोजाबाद से लाए थे। और अभी फ़िलहाल में ये 72 दिन का हो गया है। तो सबसे पहले तो थोड़ा इसको आप लोगों को हम प्रोडक्शन दिखाते हैं, इसका प्रोडक्शन कैसा है। तो आप इसमें से एक पौधा सही और एक पौधा ख़राब खोद के दिखाओ कि इसका प्रोडक्शन कैसा है। ये सही है या? हाँ सही पौधा। हाँ ठीक है, ये सही खोद लो पहले। तो ये आप लोग देख पा रहे हो, ये कुफरी मोहन आलू है और ये जो है 70 डेज का हो गया है, मतलब 70 से 72 दिन का हो गया है ये। बताया नहीं ओवर साइज तो बताया नहीं कि जो गाइडलाइन, ये जो मतलब इसकी गढ़ाई जब हुई थी, चेचक के बाद है, चेचक का है थोड़ा बहुत। तो ये जो है आपका कुफरी मोहन आलू है और ये कतरिया जो काट के गाड़ा गया था। ज़रा दूसरा भी एक खोद के दिखाओ इसको, थोड़ा जगह परिवर्तन कर लो, थोड़ा दूसरी जगह से थोड़ा देख लो एक जगह और। अच्छा, इस खेत में क्या होता था पहले? इससे धान वाला खेत है ये धान का खेत था। और इसमें हर साल आलू होते थे? नहीं नहीं, कभी कर देते कभी नहीं करते। अच्छा अच्छा, ये था एक पौधे का ना, इसमें कोई चेचक है क्या? नहीं नहीं, इसमें इसमें चेचक नहीं है। अच्छा, इक्का दुक्का में है, इक्का दुक्का में नहीं है मतलब। तो इससे ये आलू जो है अभी फिलहाल में आप कितने दिन बाद इसकी खुदाई करना चाहते हैं? फरवरी के लास्ट वीक में खुदाई होगी। ये है कि अभी तो ये है कि 5-6 दिन बाद इसकी आल कटवाएंगे पहले। अच्छा, 5-6 दिन बाद इसका जो बेल है। हाँ, आप लोग देख पा रहे हो ये हम जो है बीज के लिए समथिंग, मतलब बेल जो है ये काटा जाएगा। ये आप लोग देख, पकड़ो भैया एक बार इसको, ये इतना इसका बड़ा बेल है और फिलहाल में ये 70 दिन का आप लोग देख पा रहे हो। और इसको क्या है कि ये शायद बीजा के लिए बीजा के लिए करना चाहते हैं, इसलिए इसका जो आल है वो कटवाई जाएगी और इसकी खुदाई की जाएगी। उसके बाद में क्या होगा इसका? कोल्ड ले जाएंगे, कोल्ड में लेके जाओगे, उसके बाद इसका बीजा का बिक्री करोगे आप ना? हाँ, ये है कि अपने हमसे जो बीज से ज़्यादा होगा वो बिक्री करेंगे। अच्छा अच्छा, पहले तो आप अपने लिए भी रखेंगे, उसके बाद अगर अधिकतम आलू होगा तो आप बिक्री कर देंगे उसका बीजा के मालूम ना। तो ये इसका जैसे कि आप कितना बीघा आलू खेती करते हो समथिंग भैया? हो जाता है 35-40 बीघा। 35-40 बीघा। कौन कौन सा वेराइटी करते हो? न्यू आइलैंड लगाई है। न्यू आइलैंड और थोड़ा मोहन कुफरी है। ये कुफरी मोहन था। और इधर नीलकंठ वगैरह और आप बताएं, नीलकंठ का भी आप लोगों को दिखा देते थोड़ा प्रोडक्शन कैसा है। तो इधर नीलकंठ का आप लोग प्रोडक्शन देख लीजिएगा। सबसे पहले ये शुगर फ्री नीलकंठ का भी आप लोगों को दिखा रहे हैं हम। तो ये आप लोग देख पा रहे हो, खोदो।
ये कौन सा वैरायटी है? कुफरी नीलकंठ। नीला ही होता है पूरा आलू। और ये आलू जो है पूरा नीला होता है। और ये बताते हैं कि शुगर फ्री आलू होता है। ये जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके लिए बहुत ही खाने में बहुत अच्छा। हाँ हाँ, पैर से और पर लेकिन उनके लिए अच्छा बताते हैं, ये अच्छा आलू होता है उनके लिए बताते हैं। और ये अंदर से थोड़ा अंदर निकालो, ये अंदर कैसा निकलता है? अंदर सफेद निकलेगा, इससे नहीं टूटेगा। मतलब ये क्रीम कलर का होता है। और ये कुफरी नीलकंठ आलू होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। नीलकंठ है, नीलकंठ नाम नीला है तो नीलकंठ ही नाम है कुफरी नीलकंठ, क्योंकि ये सब आलू के आगे कुफरी तो जरूर लगता है, क्योंकि ये टोटल आलू जो है बीजा कुफरी से आता है, कुफरी के नाम से। ये कुफरी एक स्थान का नाम है और ये आलू वहीं से आते हैं, तो कुफरी नीलकंठ आलू हो गया है। अच्छा अच्छा, तो अब आप लोगों को हम इनके ही फार्म पे न्यू हाईलैंड का भी दिखा रहे हैं, न्यू हाईलैंड का प्रोडक्शन कैसा है। तो ये देखो, एक पौधा खोदा गया है और ये देखो। हाँ भैया आओ, पैदा ही बार चेक कर रहे हैं। और भी है ना अभी, ये देखो ये देखो। अरे जो दूसरे को भाई ना, ना। एक ही का भैया, और गिनो जरा इनको, रखो 4, 8 11 देख रहे, पानी लगवा ही ना लगवा, खराब हो गया ये तारे, पानी लगा मोटो रहे 16, 4, 20, 3, 23। ये कितने दिन का है? ये 65 दिन लेके 70 दिन के बीच का है ना। हाँ भाई, ये इसमें तो सही लग रही है भैया पैदावार ना, इसमें अच्छी पैदावार लग रही है। ये न्यू हाईलैंड आलू है। और अदरवाइज जो है ये आप लोग देख पा रहे हो, ये आप इन भैया का खेत है, आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा। कई बीघा का खेत है भैया? 14 बीघा, अरे 12 बीघा, अरे 12-14 बीघा, 10-12 बीघा ये पूरा का पूरा एक चक है, जिसमें कि इन्होंने 3 वैरायटी करके रखी हैं, एक आपकी कुफरी मोहन, कुफरी नीलकंठ और न्यू हाईलैंड। तो ये आप लोग देख पा रहे हो अब क्या है कि ललित कुमार दीक्षित, मैं एक किसान हूँ और हमारा गांव टोडरपुर डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी जी, मैं मेन रूप से आलू की ही खेती करता हूँ जी। जिस किसी किसान भाई को कुफरी मोहन आलू की आवश्यकता है जी, वह मुझसे संपर्क कर सकता है 75-00-16-00-60 75-00-16-00-60। डिस्प्ले भी आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप संपर्क करके ये किसान भाई। हमारे पास नीलकंठ वैरायटी भी है जी, वो अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है जी, केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त हो सकती है जी। जी जी ठीक है।